जी वीवर्स, कंस्ट्रक्शन में खुश आमदीद। मैं अदील मिस्त्री आपके लिए खैरियत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। तो जी वीवर्स, आज की वीडियो है हमारी कि शटरिंग करने के दौरान हमें किस बात पर गौर करना होगा कि हमारे जो घर का फ्रंट है वो खूबसूरत नज़र आए। तो सारे घर का जो दारोमदार खूबसूरती का होता है वो फ्रंट पर होता है। तो अगर आपकी जो फ्रंट पर शटरिंग है वो सूत्र में नहीं लगेगी तो आप तो इसी शटरिंग के ऊपर गोला या कोई भी आप डिज़ाइन बनाते हैं वो भी जिस तरह का शेड टेढ़ा लगा हुआ होगा उसी तरह का टेढ़ा डिज़ाइन बनेगा। तो प्लास्टर तैयारी के दौरान मिस्त्री भी उसे अगर इसी तरह टेढ़ा ही बना देगा तो फिर आपका जो फ्रंट है वो खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। तो इस मसले का हल छोटा सा है जिसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। शटरिंग करने के दौरान जब शटरिंग वाले शटरिंग कर रहे हों तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। अपने घर के फ्रंट शेड को खूबसूरत बनाने के लिए छोटा सा काम ये है कि हमें भट्ठे की 3 टाइलों के पीस चाहिए, 2 साइडों पर रखनी है और उनके ऊपर सूत्र रखना है और एक पीस से दरमियान से अपनी शटरिंग को चेक करना है कहीं से ऊंची या नीची तो नहीं। अगर शटरिंग वालों ने इसका सूत्र चेक नहीं किया तो जो आपके घर में मिस्त्री कारीगर जो आपके फ्रंट का डिजाइन बनाने लगा है, डिजाइन शुरू करने से पहले उसे चाहिए कि इसका सूत्र लेवल चेक कर ले। तो इसके अलावा और जहां कहीं भी आपके घर में शेड आई है उसके ऊपर कोई डिजाइन बनना है तो आप इसी तरह पहले उसका सूत्र लेवल चेक कर लें। तो जी व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने फ्रंट शेड को सूत्र में करवाएं। तो रही बात लेवल की, तो अगर आपका 2 से 2.5 फुट का शेड है तो आप उसे आधी इंच तक आगे से उठाएं। अगर इससे ज़्यादा उठाएंगे तो फिर आपका शेड जो है वो गुनिये में नहीं होगा। तो जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके फ्रंट खूबसूरती के लिए वीडियो बहुत मुफीद रही होगी। इसी तरह की कंस्ट्रक्शन के मुतालिक वीडियोज़ देखने के लिए आओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।